उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड वैष्णो मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो मोटेन। आप ये कथक नृत्य देख रहे हैं, यह है किसी शहर का नहीं बल्कि उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र कलजीखाल के बच्चों का है। आज यहाँ पर कथक नृत्यांगना वर्षा दास गुप्ता ने बच्चों को कथक के बारे में नृत्य के गुण सिखाए। स्पीक में के एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है जिसकी स्थापना 1977 में ITI दिल्ली की प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ द्वारा की गई थी। किरण सेठ जिन्हें 2009 में कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। स्पीक में के इसके लिए देश की सबसे निपुण कलाकार मुख्य रूप से स्कूलों और कॉलेजों में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य, लोक कविता, रंगमंच, पारंपरिक पेंटिंग, शिल्प और योग के कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। 2011 में स्पीक मेके को युवा विकास के योगदान के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। स्पीक मेके दुनिया भर के 300 से अधिक शहरों में चैप्टरों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और इसी कड़ी में वह आज पौड़ी के कलजीखाल विकासखंड के शहीद कारगिल शहीद धर्म सिंह राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कलजीखाल और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को यहाँ पर कृतक नृत्य के गुण सिखाए और उन्होंने बच्चों से बात की। आज यहाँ पर हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल ने जायजा लिया और कृतक नृत्यांगना वर्षा दास गुप्ता से बातचीत की। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विक्रम पटवाल आज पहुंचा हूं राज्य आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय कलजीखाल में। जैसे कि हमने देखा यहां पे कि आज एक कथक नृत्य का यहां पे आयोजन किया गया, बच्चों को सिखाया गया, तो मेरे साथ कथक नृत्य का यहां पे आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम पहले आप नाम बताइए। नमस्कार, मैं वर्षा दास गुप्ता हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं कथक नृत्यांगना हूँ। तो जैसे कि आप दिल्ली से आई हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो आप कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको? उत्तराखंड में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और यहाँ पे बच्चे, यहाँ के अध्यापक, यहाँ पे सभी लोग बहुत ही मुझे सपोर्ट करके चल रहे हैं। मेरा जो स्पीक में के जो ये संस्था है, इसका जो मकसद है कि हम कला को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकें और एकदम इंडिया के रूट्स तक ले जा सकें, तो इसमें सबका बहुत ही अच्छा सहयोग आ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। तो जैसे कि आपकी संस्था है स्पीक में के, ये संस्था पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड में बाहर भी मतलब किस तरह से काम करती है? स्पीक में के जो संस्था है, इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट्स अमंगस्ट यूथ। ये संस्था शुरू की गई थी डॉक्टर किरण सेठ द्वारा, जो कि IIT में बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और जिनको उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो उन्होंने अपनी बहुत बढ़िया सुंदर संस्था तैयार की है जिससे बहुत लोग जुड़े हैं, जिससे बहुत कलाकार जुड़े हैं और जो इस आर्ट को दुनिया में हर जगह फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे कथक नृत्य करते हैं, तो आपके गुरु कौन रहे हैं और किस प्रकार से, कब से आपने शिक्षा ली? जी, मेरे गुरु हैं श्री अभिमन्यु लाल जी और मैंने गुरु गीतांजलि लाल जी से और गुरु विधा लाल जी से भी नृत्य सीखा है। और जब मैं 10 साल की थी तब से नृत्य सीख रही हूँ, लेकिन अपने गुरु के सानिध्य में आई जब मैं 11th क्लास में थी, तब मैं गुरु शोभनु लाल जी के अंडर सीखना शुरू किया और तब से जज नहीं चलते। तो जैसे कि आप स्कूल में आए, हमने देखा कि कई बच्चे आपसे काफ़ी इम्प्रेस हुए, वो चाह रहे कि मतलब हम भी सीखें, तो आपकी संस्था ऐसे कुछ कर सकती है कि जैसे यहाँ के बच्चों को ये सुविधा नहीं मिल पाती, तो आप सिखा सकते हैं मतलब संस्था द्वारा इन बच्चों को? जी, मुझे एक तो बहुत ही अच्छा लगा कि कोई अगर प्रस्तुति देखते ही अगर बच्चे आपके पास आए कि हमें आपसे ये कला सीखनी है, तो इससे बढ़िया रिस्पॉन्स और अवार्ड और रिवॉर्ड नहीं हो सकता हमारे लिए। थैंक यू सो मच इसके लिए। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि स्पीक मेकिंग का सबसे पहला ये काम था कि पहले तो बच्चों को जागरूक करें कि ये भी कला एग्जिस्ट करती है और ये सिर्फ एग्जिस्ट नहीं, बहुत पौराणिक कला है, ट्रेडिशनल कला है, ऐसी ही नहीं और भी बहुत सारी कलाएं हैं। तो जागरूक करना और ऑफ कोर्स स्पीक मेके 100% ये काम करेगा कि कुछ कुछ जगहों पे इंस्टीट्यूट्स खोलना, लंबे वर्कशॉप्स रखना, बहुत दिन
जयप्रहण पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा,